सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से कोविंद के सामने मीरा कुमार की चुनौती है, जिन्हें विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। संयोग ऐसा बना है कि राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार दलित वर्ग से हैं। शुक्रवार को रामनाथ कोविंद ने नामांकन दाखिल किया। PM मोदी पहले प्रस्तावक बने। इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। शिवसेना तथा जम्मू एवं कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP सहित राज्य के पास सांसदों व विधायकों के इलेक्टोरल कॉलेज का 48.93% समर्थन है। गठबंधन से बाहर की पार्टियों जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति 2%, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मित्र कड़गम 5.39%, YSR कांग्रेस 1.53%, बीजू जनता दल 2.99%, जनता दल यूनाइटेड के 1.91% मतों को मिलाकर राजग आधा मत आसानी से प्राप्त कर लेगा। ऐसे में कोविंद की जीत तय है। बता दें कि हालिया दौर में NDA बहुत ही मजबूत स्थिति में है। केंद्र की BJP सरकार के साथ अन्य दलों का समर्थन भी है। 29 में से कम 14 राज्यों में BJP की सरकार है। BJP की मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम में सरकार है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में सहयोगी दलों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में BJP का यह स्वर्णिम काल है। पार्टी के पास लोकसभा में 280 सांसद, राज्यसभा में 56 सांसद और विधानसभाओं में 1382 विधायक हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।